बना ये बर्फ का पुल धीरे धीरे उसे बनाने वाले यंत्र की ओर जाएगा और मैं उसके ऊपर चलकर उस तक पहुंच जाऊंगा और जाकर उस यंत्र को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे बनाए हुए यंत्र को और तुम्हारे बुरे इरादों को नष्ट करने के लिए। भगवान, ऐसे कैसे ध्यान से निकल गया? आप लोगों को पता था कि बल्लू उदास है, तो आपने अकेला छोड़ा ही क्यों? हाँ माँ, हाँ, हमसे गलती हो गई, लेकिन ये बल्लू भी है ना, हमेशा गायब हो जाता है। हाँ, घर में कभी भी खुशी का माहौल हो या टेंशन हो, बल्लू हमेशा गायब हो जाता है। मैं गायब तो हो जाता हूँ रॉकी चाचू, लेकिन लौट कर भी तो आता हूँ। बल्लू कहाँ था तू? दादी वहाँ। कहाँ? अरे मैं वहाँ था। कहाँ? दादी आप उससे सवाल पूछना बंद कीजिए, पहले मुझे बल्लू को ये बता दीजिए कि मैंने मोंटू को मोदक खाने के कंपटीशन में कैसे हराया। हाँ बल्लू, गणपति जी ने बालवीर को भेजा था और उसने हमारी बहुत मदद की। और तुझे पता है अगला कंपटीशन डांस का है और उसे मैं जीत के ही रहूंगी। और अगर मैं डांस कंपटीशन जीत गई तो हमारे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो मोंटू और हम बराबर हो जाएंगे। यस। पर महक, सिर्फ बोलने से नहीं जीतेंगे, डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ है ना। हाँ तो चल चल, 1 मिनट मानव। गणपति जी आप हमारे साथ हो ना? बेटा, अच्छाई और मेहनत करने वालों का साथ गणपति बापा हमेशा देते हैं। चलो 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 चलो। वैसे महेश, डांसर तो तू भी अच्छा है। कहाँ माँ, मुझे कहाँ अच्छा डांस आता है। अरे आता कैसे नहीं, दिन रात बीबी के इशारों पे नाचता तो रहता है। देखा। अरे मैं, तू पापा के ऑफिस का लैपटॉप क्यों लेकर आई है? पापा को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे। मानव, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये लैपटॉप पापा से पूछ कर ही लाई हूँ। अब मैं है क्या युक्ति तुम्हारी इस नृत्य प्रतियोगिता को जीतने की? नृत्य युक्ति? श्री बल्लू जी, अभी महर देवी बताएगी आपको कि है क्या उनकी युक्ति जीतने की नृत्य प्रतियोगिता। जरा संयम रखिए। अरे मानव, बल्लू का मजाक मत उड़ा। और मैंने सोच रखा है कि मुझे क्या करना है कल डांस कॉम्पिटिशन में। अरे वाह, क्या सोचा है, क्या सोचा है? अरे बता, सही बता। अरे थोड़ा सा उधर। हाँ बता बता। यही ना कि हम बालवीर से मैजिक डांसिंग शूज मांगेंगे, है ना? नहीं मानव, ये तो चीटिंग होगी और मैं चीटिंग से नहीं जीतना चाहती, वरना हम में और मोंटू में क्या फर्क रहेगा? और अगर तूने चीटिंग की बात अगली बार की तो पीट दूंगी। तुम्हें सोचा क्या है तुमने? हाँ, तू इतने कम समय में कैसे तैयारी करेगी? सीढ़ी से। सीढ़ी? अरे वाह, तुम करोगे नृत्य सीढ़ी पे चढ़कर? आएगा बड़ा मजा। मजा आएगा, मजा आएगा। अरे सीढ़ी नहीं, सीढ़ी। देखा, ये वाली सीढ़ी बल्लू, ये वाली। इसे तो कुछ भी नहीं पता है। आपको भी। इस सीढ़ी में
मिंटी के सारे डांस परफॉर्मेंसेस है। वही मिंटी जो सुपर डांसर किड कॉम्पिटिशन की विनर थी? हाँ वही कमाल की डांसर मिंटी, और उन्हें देखकर मैं नए नए डांस स्टाइल सीखूंगी। अरे वाह, ये देखो। सुंदर नृत्य, तभी तो इससे सीख रही हूँ। महर, मिंटी तो बहुत अच्छी डांसर है, क्या तू ऐसा डांस कर पाएगी? पागल है क्या? ये मिंटी है और मैं महर, मैंने अगर इसका आधा भी कर लिया ना तो मोंटू क्या, कोई भी कंटेस्टेंट मुझे डांस में हरा नहीं पाएगा। और फिर हम पापा के स्कूटर के एक कदम और नजदीक पहुँच जाएंगे। हाँ ये! अच्छा है इस गणेश उत्सव के नृत्य प्रतियोगिता में नहीं हो रहा है तुम्हारा सामना भयंकर भयंकर से भी भयंकर नृत्य करने वाली मिंटी से। हाँ थैंक गॉड, वरना मैं कभी नहीं जीत पाती। करने दो। वाह मिंटी वाह, ग्रेट ग्रेट, क्या डांस किया तुमने। क्या मोंटू बॉस, गुस्सा हो गई ना? क्या नहीं मोंटू बॉस, कौन सा डांस किया ये पूछो। हाँ सुपर्ब सुपर्ब मिंटी सुपर्ब मिंटी। अरे एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने मोंटू बॉस को नहीं देखा? अरे इनकी साइज वैसी है कि ऊपर आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन से भी एकदम आसानी से दिख जाते हैं। हेलो मिंटी, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखन, नाम तो सुना ही होगा ना? नहीं। बॉस हम समझा, चल रही। अरे कमाल है, ये वही मोंटू लगानी है जो एवीपी विद्या मंदिर स्कूल में आए दिन बालवीर का तो कभी मुर्गा कभी लड़की कभी बंदर कभी मधुमक्खी बनते रहते। ये वही मोंटू था रेटेश लखानी है। तो ए मिंटी, मुझे तुमसे एक काम था। क्या? कल हमारे गणेश उत्सव मंडल में एक डांस कंपटीशन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस डांस कंपटीशन में मेरी कजिन बहन बनकर हिस्सा लो, ताकि मेरी टीम ये डांस कंपटीशन जीत जाए।
अच्छा तो और कौन कौन है तुम्हारी टीम में? चार लोग हैं। पहला मोंटू लगानी, दूसरा मोंटू लगानी, तीसरा मोंटू लगानी, चौथा भी मोंटू लगानी। अरे इसका मतलब है कि बॉस अकेले ही चार के बराबर है। सॉरी मोंटू, मैं ऐसे वैसे इवेंट में डांस नहीं करती। देखो मिंटी, तुम मेरी टीम में आओ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तुम क्या कर सकते हो? प्लीज मिंटी प्लीज, इसमें मैं साथ ले लो प्लीज। बिल्कुल नहीं। उठो। देखो मिंटी, देखो मिंटी, तुम इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी। मुंह मांगी क्या? मुंह मांगी फॉरेन चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट? अरे ये तो बस एडवांस है, एडवांस, बाकी डांस कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद। ओ, तो इनसे क्या होगा? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट। अरे मिंटी, ये तो बस एडवांस है, एडवांस। तुम एक बार कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो, फिर मैं मेरे पापा से कहकर तुम्हारा डांस कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। कहाँ पता है? लंदन। सच्ची? तुम्हारे पापा ऐसा करवा सकते हैं? हाँ, मेरे पापा ऐसा करवा सकते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जो मैं कहूंगा वो वही करेंगे। पर मैं पापा को तभी कहूंगा जब तुम इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लोगी। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारी टीम से डांस करूंगी। थैंक यू। अब मुझे बस एक ही पॉइंट चाहिए, और कल मिंटी के डांस कॉम्पिटिशन जीतने के बाद वो एक पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा। रोहित के बाल। हाँ बॉस, हम ये बोर्ड पे लिखवा देंगे। चुप। इस जीत के बाद ये फैमिली नंबर वन का मुकाबला भी मैं ही जीतूंगा, और वो इनाम का स्कूटर भी। हाँ बॉस, मिंटी को तो मैं कभी नहीं हरा पाएगी।
है महर। है पक्का इस बार कि जीतेंगे हम ही। स्कूटर कॉम्पिटिशन जीतेंगे ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ महर वाकई में तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। बस बस अब बहुत हो गई महर की तारीफ वरना हमारी नजर लग जाएगी। हाँ महर अगर वो मिंटी भी अभी तेरे सामने होती ना तो तू उसको भी हरा देती। 100% चल मोंटू बॉस के होश उड़ा देते डांस दिखाकर। क्या तू मोंटू बॉस के सामने डांस करेगा? अरे मैं डांस नहीं करूंगा ये जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो उन्हें दिखाते। चल चल आज जो मैंने प्रैक्टिस किया उससे भी अच्छा। वेरी नाइस बॉस आप अपना नाम मोंटू से बदल कर बैडलक क्यों नहीं रख देते? चुप मिंटी शायद से तुम्हें ये जानकर खुशी होगी ये महर है और ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर है। ओह तो बहुत ही मजा आएगा सामने वाली अच्छे डांसर हो तो डांस करने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ लेकिन मुझे हारने में मजा नहीं आता और हाँ मुझे ये भी यकीन है कि शायद से तुम्हें भी नहीं आता होगा ना इसीलिए वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। क्या करूँ मैं? चीटिंग। हाँ बॉस को चीटिंग में 100 out of 100 मिलते हैं। चुप। चीटिंग मैं नहीं करने वाली लेकिन मैं हारूंगी बिना। लेकिन अगर हार गई तो सोचो मिंटी सोचो लोग क्या कहेंगे। सुपर डांसर मिंटी हार गई वो मिंटी जिसने टीवी का इतना बड़ा शो जीता वो एक मामूली से महर से हार गई। हाँ सोचो अगर तुम हार गई तो तुम्हारे और मोंटू बॉस में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ बॉस को तो हारने की आदत ही पड़ गई है पूरा स्कूल इन पर हंसता है। क्यों बॉस? चुप। सोचो मिंटी सोचो अगर तुम हार गई तो क्या होगा? क्या तुम लोगों का मजाक सह सकती हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं महर को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगी। जीतोगी जरूर तुम ही जीतोगी अगर मैं कहता हूँ वैसा करोगी तो। अब अपनी बात मानकर खुद नहीं जीतते इसे क्या जीताओगे? जीतेंगे इस बार हम ही जीतेंगे। मिंटी जैसा डांस महर ने तैयार किया क्या तुम वैसा सेम टू सेम डांस तैयार कर सकती हो? बड़े आराम से। तो तैयारी कर लो डांस की क्योंकि इस कंपटीशन में महर से पहले तुम ये डांस करोगी। वाह बॉस अगर दोनों सेम टू सेम डांस करेंगे तो भले ही हम ना जीते लेकिन हारेंगे भी नहीं। नहीं इस बार हम ही जीतेंगे। महर की आंखें खुली की खुली रह जाएगी जब वो देखेगी कि मिंटी ने सेम टू सेम डांस किया है और अगर उसने कंपटीशन में सेम टू सेम डांस किया तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि उसने हमारा डांस कॉपी किया है और फिर जजेस को हमें जिताना ही पड़ेगा। Ha 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 ha!